कुछ दिखा दूं सर, वो आजकल बहुत चल रहा है, दिखा दूं गुरेश भाई कि मना किया बोलने पर। नहीं मैं तो जो चीज सही होती है उसमें बोलता हूँ, आप जानते हैं, और पार्टी ने कभी मना नहीं किया। फ्रिंज एलिमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रिंज एलिमेंट में पार्टी के पॉलिटिकली और पार्टी के लेवल पर फ्रिंज एलिमेंट वो होता है जो पार्टी लाइन को क्रॉस करे, जो पार्टी लाइन को कोई भी हो सकता है। सुनाऊं आपको, आप कह रहे पार्टी लाइन का पालन, कुछ सुनना चाहेंगे गुरेश भाई? इजाजत है, प्लीज प्ले करिए, ध्यान से सुनिएगा गुरेश भाई। जो आप लगा रहे हैं टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मैं तो मटन दबाओ तक इतने गुस्से के साथ बना कि बटन यहाँ बाबतपुर में बदल करण साहिल बाग के अंदर लगे। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। आपका निजाम, निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। हाँ गुरेश भाई, कुछ कह रहे थे आप, क्या मतलब होता है फ्रिंज एलिमेंट का? बिल्कुल सर, आप, मैं आपको एक एक चीज के ऊपर जवाब दूंगा। बिल्कुल सही कहा कि जो लोग आग लगाते हैं उनको आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, या तो वो कांग्रेस का पंछा पहन कर रखते हैं या लाल टोपी धारी होते हैं या लाल पंछा डाले रहते हैं, तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कहां से आ रहे हैं। अच्छा, वो शाहीन बाग, शाहीन बाग इतनी जोर से बटन दबाओ की आवाज शाहीन बाग तक जाए, है ना? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे जो भोले भाले मासूम भाई बहनों को गुमराह कर रहे थे और उनको अच्छा, वो कब्रिस्तान और शमशान वाली बात कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो उनको करंट लगना चाहिए था। अच्छा, तो इसलिए वो कब्रिस्तान और शमशान वाली बात कर रहे थे। एक और सुनो गुरेश भाई, एक और सुनाइए। हम कभी गलत बात नहीं बोलते सर, कभी गलत बात नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। ये वाला सुनिएगा, ये वाली बात सुनिएगा ध्यान से, प्लीज प्ले करिए। होली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। हमारे पूर्वजों से भूल हुई जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहां भेज दिया गया होता और हिंदू को यहां, तो आज ये नौबत ही नहीं आता। ये वाला सुना गुरेश भाई, देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, ये फ्रेंच एलिमेंट्स हैं कि नहीं ये बयान? नहीं नहीं नहीं, ये कौन, ये क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि ऐसे राजनेताओं को जो अपनी राजनीतिक, तो फिर ये वाली बात आप भी बोल दीजिए एक बार, आप भी बोल दीजिए। अच्छा, ये वाली बात एक बार बोल दीजिए आप, जो आपने कहा ये देश के गद्दारों वाली, मैं बीप नहीं लगाऊंगा, बोलिए। जो कोई भी हिंदू को या मुसलमान को भड़काए, उसको देश में आपस का सौहार्द खत्म कराए, उनको जूते मारना चाहिए, जूते मारने चाहिए, और ऐसे राजनेताओं को तो जूते मारने चाहिए। मैं कहता हूँ जो पब्लिक को बहकाए, पब्लिक को भड़काए। ये ना यही बात जो जो अनुराग ठाकुर ने कही थी, वही वाली बात आप भी बोल दीजिए एक बार, देश के गद्दारों को। आगे आप बोल दीजिए। मैं क्यों बोलू, आप बोलेंगे देश के गद्दारों को? देश के गद्दारों को आगे उन्होंने क्या बोला? परमवीर सिंह बोलते, जो जनता ने बोला वो मैंने नहीं बोला, उन्होंने भी नहीं बोला, उन्होंने देश के गद्दारों को बोला था केवल। अच्छा, तो मतलब जनता के ऊपर छोड़ दो, आपको मालूम नहीं चलता कि मन से जब आप बोलते हैं कि जनता सामने से क्या रिएक्ट करेगी? अच्छा, या फिर मीडिया जो है अपना धर्म निभाए, मीडिया को चाहिए अपना धर्म। तो ये मीडिया का धर्म है कि धर्म के नाम पर लड़वा दे लोगों को? ये मीडिया का धर्म नहीं, हम नहीं चाहते, लेकिन अगर मीडिया भी इसी प्रकार से करता रहेगा तो फिर सरकार जो है वो डिबेट्स में बैठकर, जो तथाकथित पत्रकारों के साथ डिबेट में बैठकर बोलते हैं, ए चुप मौलाना, चुप चुप,
ए जालीदार टोपी चुप बैठ जा चुप मारूंगा तेरे को बैठ। तो वो आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि बंद हो जाएगा? किसी भी प्रवक्ता से बड़ा महामंत्री होता है पार्टी में और महामंत्री से बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बोलते थे ना, मैंने सुना कई आपके प्रवक्ता ऐसे बोलते थे, ए जालीदार टोपी चुप चुप बोला ना चुप, ऐसे बोलते थे। मतलब मैं मुस्लिम समाज से हूं तो मैं एक बार चलिए अपने मुस्लिम समाज के विषय में बोल दूंगा। एक दाढ़ी टोपी वाले मौलाना आते हैं, वो बेसिकली टिकटिंग एजेंट है। हाँ, तो वो सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं। हाँ, तो आप लोगों को कहिए कि ऐसे लोगों को नहीं बुलाएं। हाँ, तो सर मैं भी यही कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जाता है? बिल्कुल सही कहा, आप लोगों को हमारा काम नहीं है। अच्छा ये हम अच्छा पूरे देश में गोदी मीडिया की थू-थू हो रही है। मैं जानता हूं कि गोदी मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता तो मेरी इस बात की है कि गुप्पू चोपड़ा, नफरती देवगन और लल्लू गोस्वामी अब किस किस मुद्दे पर डिबेट करेंगे।